बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ रहे थे कि प्रबंध की प्रक्रिया, और प्रबंध की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रबंध की प्रक्रिया का हमने मीन्स जान लिया था, प्रबंध की प्रक्रिया किसे कहते हैं। आज से हम पढ़ रहे हैं कि प्रबंध की प्रक्रिया के फीचर्स क्या हैं। प्रबंध की प्रक्रिया का फर्स्ट फीचर जो है वह कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस। कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस मतलब है यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसके जो लेवल है इसके लेवल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है, इसे हम कहते हैं डायनेमिक प्रोसेस। दूसरी जो इसका फीचर है वो है डन बाय द मैनेजर्स। प्रबंध की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये हमेशा मैनेजर्स के द्वारा की जाती है, क्योंकि इसके जो फंक्शंस हैं वो केवल प्रबंधकों के द्वारा ही समझे जाते हैं। ठीक है, एक प्रबंधक ही उन फंक्शंस को भली भांति अच्छे से समझ सकता है और उन पर कार्य कर सकता है, इसलिए इसको कहा गया कि डन बाय द मैनेजर्स। एक मैनेजमेंट की जो नॉलेज रखता है, एक मैनेजर जो है जो संस्था को मैनेज कर रहा है, वह मैनेजमेंट की प्रोसेस को अपनाता है। नंबर थर्ड इज इफेक्टिव रिजल्ट। इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रबंध की जो प्रक्रिया है ये एक तो इफेक्टिव होती है, दूसरी चीज इसमें कहा गया है कि रिजल्ट ओरिएंटेड। प्रबंध की प्रक्रिया में प्रबंध के कार्यों को स्टेप बाय स्टेप सुव्यवस्थित किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप जो उनको जमाया जाता है, उनको फिक्स किया जाता है, उसका मोटिव यही होता है कि वह रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। वह अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्रबंध के कार्यों को व्यवस्थित किया जाता है। प्रबंध के उद्देश्य को ध्यान में रख करके उनको व्यवस्थित किया जाता है, इसलिए क्या कहा गया, रिजल्ट ओरिएंटेड। दूसरी चीज़ इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव मतलब प्रभावपूर्ण। अगर आप मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के आधार पर कार्य करते हैं तो वह कार्य प्रभावी होगा और अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को अचीव करेगा। इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया, सॉरी, प्रबंध की प्रक्रिया को कहा गया कि इट्स इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। नंबर फोर्थ, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। प्रबंध की प्रक्रिया भी प्रबंध की तरह यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। जहां पर भी प्रबंध लागू होगा वहां प्रबंध की फंक्शन, प्रबंध के कार्य होंगे। जहां प्रबंध के कार्य होंगे वहां प्रबंध की प्रक्रिया भी एप्लीकेबल होगी, प्रबंध की प्रक्रिया भी लागू होगी। इसलिए से क्या कहा गया, सार्वभौमिक। चाहे फंक्शन, चाहे संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, टेक्निकल हो, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, ऑर्गेनाइजेशन कोई सा भी हो, किसी भी तरह का हो, कहीं पर भी हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, चाइना में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, एवरीवेयर, तो जहां प्रबंध लागू होगा वहां प्रबंध की प्रक्रिया भी लागू होगी। इसलिए इसे क्या कहा गया कि यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। मैनेजमेंट के प्रबंध की जो प्रक्रिया है, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, वो एक सार्वभौमिक है। और नंबर फिफ्थ है, यह एक ह्यूमन प्रोसेस है। ह्यूमन प्रोसेस है क्योंकि इट्स डन बाय द मैनेजर्स, यह मैनेजर्स के द्वारा की जाती है फॉर ह्यूमन बींग्स। यह मैनेजर के द्वारा की जाती है और मैनेजर एक ह्यूमन बींग है, तो बात कर रहे हैं कि एक ह्यूमन प्रोसेस है, एक मानवीय प्रक्रिया है जो मानवों के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा संपादित की जाती है, पूरी की जाती है। इसलिए इसे क्या कहा गया, ह्यूमन प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, या यूं कहें कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रक्रिया को लेकर के स्कॉलर्स ने अपने अपने अलग अलग थॉट्स, अलग अलग व्यूज दिए हैं। किसी ने प्रबंध की प्रक्रिया को
थ्री स्टेप में कंप्लीट किया है, किसी ने प्रबंध की प्रक्रिया को फाइव स्टेप में कंप्लीट किया है, किसी ने प्रबंध की प्रक्रिया को सेवन और एट स्टेप में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राफेल डाविस, राल्फ डेविस, राल्फ जो डेविस है, राल्फ डेविस कहते हैं कि प्रबंध में तीन तत्व हैं, प्रबंध की प्रक्रिया के तीन चरण हैं राल्फ डेविस के अकॉर्डिंग। नंबर फर्स्ट पी ओ सी, राल्फ डेविस के अकॉर्डिंग प्रबंध की प्रक्रिया के तीन चरण हैं पी ओ सी। पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर कंट्रोल। राल्फ डेविस के अनुसार तीन चरण है प्रबंध की प्रक्रिया के, पी ओ सी। ठीक है, चलते हैं आगे। कुंड्स और डोनेल, थोड़े से पीछे की ओर लेते हैं, कुंड्स और डोनेल। कुंड्स और डोनेल की बात करें तो कुंड्स और डोनेल ने फाइव एलिमेंट्स दिए हैं, और फाइव एलिमेंट्स जो हैं वो है पी ओ एस डी और सी। पी ओ एस डी और सी, कुंड्स और डोनेल ने मैनेजमेंट की प्रोसेस में फाइव एलिमेंट्स का यूज किया है, और फाइव एलिमेंट्स जो दिए हैं दैट इज पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बट हेयर इज एस एंड डी इज डिफरेंट, और सी इज ऑल्सो कंट्रोल। यहां पर सी तो कंट्रोल है लेकिन एस और डी अलग दिया है, तो एस का मतलब है स्टाफिंग, और डी का मतलब है डायरेक्शन, डी का मतलब है डायरेक्शन एंड सी फॉर कंट्रोल। तो मैनेजमेंट के अभी दो स्कॉलर हमारे सामने आए, राल्फ डेविस एंड कुंड्स ओ डोनेल। चलते हैं तीसरे स्कॉलर की ओर, और तीसरे स्कॉलर का नाम है ब्रेक। और ब्रेक जो है उन्होंने पी ओ एम, तीसरा एक नया इसने नाम लिया पी ओ एम, सी ओ और सी। ब्रेक के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस में फाइव एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, और फाइव एलिमेंट्स क्या है तो पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एम फॉर मोटिवेशन। एम फॉर इसने क्या लिया है, मोटिवेशन। एम फॉर मोटिवेशन, सी ओ मतलब कोऑर्डिनेशन, और सी फॉर कंट्रोल। तो राल्फ सॉरी ब्रेक जो है, ब्रेक ने पी ओ एम सी ओ सी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, हिंदी में बोलेंगे नियोजन संगठन अभिप्रेरणा समन्वय और नियंत्रण। ये किसके अनुसार है, ये ब्रेक के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल जो है, हेनरी फेयोल ने भी फाइव एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं, पी ओ फिर सी सी एंड सी, पी ओ सी 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 ओ, पी ओ सी 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 ऐसे याद कर सकते हैं। यहां पर पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर एक नया वर्ड यहां पर आ रहा है कमांडिंग, सी फॉर कमांड आदेश, सी फॉर कमांड आदेश। यहां पर एक नया वर्ड एलिमेंट इन्होंने यूज किया है हेनरी फेयोल के अनुसार, जो कि प्रबंध के जनक भी कहे जाते हैं। इन्होंने कहा कि प्लानिंग
ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, सी फॉर कंट्रोल एंड सी ओ मतलब कोऑर्डिनेशन, सी फॉर कंट्रोल एंड सी ओ मतलब कोऑर्डिनेशन। तो ये थे हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग प्रबंध की प्रक्रिया के एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं उर्विक। उर्विक एक स्कॉलर हैं और उर्विक के अकॉर्डिंग जो है वो है पी ओ ओ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर, ठीक है। फिर ऑर्डर भी कह सकते हैं, कमांड भी कह सकते हैं यहां पर। पी ओ ओ सी ओ मैसेजिंग, मैसेजिंग फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, उर्विक ने सब एलिमेंट जो अब तक हम एलिमेंट देख रहे थे उन सबसे ज्यादा एलिमेंट्स का यूज किया है। पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ओ मतलब ऑर्डर। कई बुक्स में आपको हो सकता है कमांड भी लिखा मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑर्डर और कमांड वैसे दोनों का मीनिंग हिंदी में आदेश ही आता है, ठीक है। ऑर्डर, सी ओ मतलब कोऑर्डिनेशन, मैसेजिंग फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये उर्विक के अनुसार थे। उर्विक ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 एलिमेंट्स दिए। अब तक के सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स किसने दिए? उर्विक। और बच्चों जो सबसे ज़्यादा अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिस स्कॉलर का नाम पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम हो या फिर बोर्ड के एग्जाम हो, हम उस स्कॉलर की भी बात कर लेते हैं। बहुत ही फेमस है आरपीएससी और आरबीएससी की नज़र में, और वो है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक बहुत कई बार पूछा गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछ लेते हैं, मैनेजमेंट में पूछ लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, आरबीएससी का तो प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई के अंदर ही पूछ लेते हैं, कोई सा भी बोर्ड का एग्जाम हो अक्सर इस क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है कि लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस बताइए। तो लूथर गुलिक के अनुसार मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला है वो है पी ओ एस बी पोस्ट सी ओ आर बी, पी ओ एस डी सी ओ आर बी। पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्शन, सी ओ मतलब कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग। R for reporting, B for budget, B for budget। तो ये हमने बात की कि लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग प्रबंध की प्रक्रिया के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजट। तो बच्चों आपने अब तक पढ़ा कि प्रबंध की प्रक्रिया के एलिमेंट्स जो अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग बताए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात की थी मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया किसे कहते हैं, और फिर प्रक्रिया के जो एलिमेंट्स हैं हमने उनके बारे में बात की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रबंध के फंक्शन। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट,
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के फंक्शंस को हमने दो भागों में बांट दिया। नंबर एक की फंक्शन, नंबर दो एक्सिलरी फंक्शन। हमने मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको दो भागों में बांट दिया, एक तो है की फंक्शन, दूसरे हैं एक्सिलरी फंक्शन। की फंक्शंस कौन से हैं? जो मुख्य कार्य हैं उन्हें की फंक्शन कहा गया और जो सहायक कार्य हैं उन्हें एक्सिलरी फंक्शन कहा गया। तो बढ़ते हैं की फंक्शन की ओर। तो की फंक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने बात की थी की फंक्शन के अंदर अभी प्रोसेस में, तो प्लानिंग, जो कि सभी ने माना है इसको, ठीक है। जितने भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की प्रोसेस के बारे में बताया है उन सभी ने सबसे पहला कार्य प्लानिंग को इंक्लूड किया है। दूसरा है वो है ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा जो है वो है डायरेक्शन। चौथा जो है वो है कंट्रोल। और पांचवा जो है वो है कोऑर्डिनेशन। बच्चों कई जगह आपको हो सकता है कोऑर्डिनेशन को लेकर के मतभेद मिल जाएगा। हो सकता है किसी बुक के अंदर आप पढ़ें या आपको देखने को मिले या कोई टीचर आपको समझाए कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक्सिलरी फंक्शंस के अंदर दे रखा है, क्योंकि कई जगह इसको ये माना गया कि इसकी वैल्यू इतनी पावरफुल है, ये इतना बड़ा है कि ये प्रबंध जो है वो प्रबंध का कार्य न होकर खुद प्रबंध के बराबर अपनी योग्यता रखता है, ठीक है। तो कई जगह आपको वहां लिखा मिल सकता है और बाकी तो ये एग्जिट तो यही मिलेगा आपको, एग्जैक्ट जो है वो आपको कोऑर्डिनेशन यही मिलेगा। तो बात कर रहे हैं कि की फंक्शंस में सबसे पहले हमने पढ़ा प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर डायरेक्शन, फिर कंट्रोल और फिर कोऑर्डिनेशन। बात करते हैं एक्सिलरी फंक्शन की। एक्सिलरी फंक्शन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करता हूं स्टाफिंग। स्टाफिंग एक कार्य है जिसमें संस्था के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए लोगों को नियुक्त किया जाता है या फिर संस्था में जो रिक्त पद होते हैं उनको फुलफिल किया जाता है, उनको भरा जाता है। दूसरा है इनोवेशन। तीसरा है डिसीजन मेकिंग। चौथा जो कार्य है वो है कम्युनिकेशन। और पांचवा जो कार्य है वो है रिप्रेजेंटेशन। तो हमने बात की की फंक्शंस एंड एक्सिलरी फंक्शंस की। की फंक्शंस कौन कौन से हैं और एक्सिलरी फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो की फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड एक्सिलरी फंक्शन इज स्टाफिंग, इनोवेशंस, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशंस एंड रिप्रेजेंटेशंस। बात करते हैं प्लानिंग किसे, की फंक्शन जो है सबसे पहले हम बात करेंगे की फंक्शन के बारे में। की फंक्शन, बच्चों की फंक्शन में सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग को कहते हैं नियोजन। नियोजन क्या है? तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना, क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में जो सोच समझ
सोचा समझा जाता है, जो उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है उसे हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन। आज हम दो एग्ज की फंक्शंस की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन संगठन का एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर है। फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, तो संगठन एक स्ट्रक्चर है, फिजिकल और ह्यूमन, जो रिसोर्सेज है फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का एक प्रारूप तैयार किया जाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही काफी है इस क्लास में। इसके बाकी अदर जो की फंक्शंस हैं और एक्सिलरी फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।